काफी हो, कैसे हो आप सब? हमने आपने देख लिया होगा जो मैंने क्वेश्चन आज हम बताने वाले हैं, इस क्वेश्चन की हम शॉर्ट ट्रिक आपसे डिस्कस करेंगे। शॉर्ट पहले हम डिटेल सॉल्यूशन आपको दिखाएंगे। x plus 1 by x equals to 3, तो वैल्यू बताओ x square plus 1 by x square की। तो आइडेंटिटी लग रही है a square b square 2ab की। तो a हमारा ये होगा और b हमारा ये होगा। आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग रख देंगे, ठीक है ना। और सामने क्या है हमारा, किसके बराबर में, तो इसका हम स्क्वायर कर देंगे। तो x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर ऐसे ही प्लस, अब क्या कट सकता है, ये दोनों कट सकते हैं तो कट गए। अभी 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर ये हो जाएगा आप 2, इधर लिया होगे तो 9 माइनस 2। अब 9 माइनस 2 कितना होता है, x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर आ गया आपका 7। तो ये वैल्यू तो आई है आपको जब 9th लेवल पे, जब आपको करके दिखाना होता है एक सभ्य तरीके के अंदर, ठीक है ना बच्चों। तो बेटा अब आपके सामने क्वेश्चन ये है, x plus 1 by x equals to 3 और x square plus 1 by x square की वैल्यू बतानी है। आपको पता होगा SSC CGL के अंदर 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, दिल्ली पॉलिटेक्निक के अंदर 2016 17 18 19 के अंदर पूछे जाना मोस्ट लविंग क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज्यादा जरूरी, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो बच्चों देख लेना और समझ लेना अच्छे से, कि बाद में मत कहना कि सर ने बताया नहीं था, कि x square जब पावर स्क्वायर में हो तो ए स्क्वायर माइनस 2 कर दो। अगर इसका रीजन जानना है तो रीजन भी आपको मैं डिस्क्राइब करूंगा, बट अभी आप ये देखो x स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2 कैसे, अगर मैं रख रहा हूं वैल्यू x प्लस 1 बाय x को मैं a लेट कर रहा हूं, समझना, इसे भूल जाओ, अभी इसकी जगह मेरे पास a है। तो वैल्यू निकालोगे कैसे, x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर प्लस 2 x * 1 बाय x a स्क्वायर, ठीक है बेटा। एक्स एक्स कट जाएगा, सेम वही केस आ जाएगा, पूरी दुनिया इसी से करती है, आपको भी इसी से करना पड़ेगा। तो ये a माइनस 2 एक्स स्क्वायर 1 बाय एक्स स्क्वायर कैसे निकलेगा, a माइनस 2। अब पेपर में तो आपको आंसर वो देगा 5 6 7 8, आपको बताना होगा क्या, और वो कंफ्यूज इस तरह से करेगा कि आप जोन से मेथड से करोगे उसका कोई ना कोई आंसर सेटिस्फाई आपको करेगा, उसका कोई ना कोई एक आंसर आपको सेटिस्फाई जरूर करेगा। मैंने आपको आंसर ऐसे भले ही जरूर दिए हैं, बट वो ऐसे नहीं देगा। ए स्क्वायर माइनस 2, ए की जगह आपके पास 3 है, तो ना ए का स्क्वायर मतलब 9, ए का 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2, 9 में से 2 जाएंगे कितना बचेगा 7। तो आंसर क्या है हमारा, डी। आंसर क्या हो बेटा हमारा, डी। बेटा अब आप क्वेश्चन में दे रहा हूं आपको एक्स स्क्वायर प्लस और x plus 1 by x आपको 5 दे दिया और x square plus 1 by x square की आपसे वैल्यू मैं पूछ रहा हूँ, तो आप वही रूल लगाओगे a square minus 2 मतलब a क्या है 5 का square मतलब 25 minus 2, तो आंसर कितना आ जाएगा 23 सेकंड लग रहे हैं, एक सेकंड में आंसर निकाल के दिखा दोगे, मेरे को तो लिखने में टाइम लग रहा है पर आप मुझसे बोल के आंसर निकाल दोगे इसका। ये 7 दे रखा है आपको, तो x square plus 1 by x square, अब a 7 दे रखा तो a का 7 49 minus 2, a का square मतलब 49 minus 2 कितना आ जाएगा 47, तो आपका आंसर कितना आ गया बच्चों 47। अब मैं आप सोच रहे होगे, अब ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि आपको इसका जवाब मुझे कमेंट में देना है, अगर मैं x plus 1 by x मैं आपको 8 दे रहा हूं तो आपको x square plus 1 by x square की वैल्यू मुझे बतानी है। और ऑप्शन आपके सामने है, ए है आपके पास 62, बी है आपके पास 49, सी है आपके पास क्या होना चाहिए, सी आपको क्या, इनमें से कोई भी नहीं, इनमें से कोई भी नहीं। तो ये जवाब आप मुझे कमेंट में करके बताओ, और वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।